रियलिटी शो से है कि इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और इसका मोटिव क्या है? सभी से जो भी जवाब देना चाहे, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और इसका मोटिव क्या है? नहीं, मैं पुनीत को कहता हूँ जवाब नहीं बना, उनको लगेगा उनको सिर्फ गाने के लिए बुलाते हैं। नहीं, गाने के लिए और इसका बिल भी मुझे भरना पड़ेगा। ओके। नहीं, जैसे कि शाहरुख ने कहा कि यू नो पिछले 3 शो से ये मुझे सुना रहे हैं कि यार तुमने मेरे को लिया नहीं, तो मैंने कहा यार टीम को मारो, एक शो बनाओ ऐसा जिसमें शाहरुख को हम ले सके। बट फ्रेंकली स्पीकिंग, आई थिंक डांस इंडिया के डांस के बाद जो हमने डांस का मुकाम इंडिया में सेट किया, उसके कई वेरिएशन आए जिसमें DID सुपर मॉम्स आया, DID लिटिल चैम्प्स आया, तो हमने कहा कि अब इसके आगे क्या, व्हाट इज द नेक्स्ट न्यू फॉर्मेट। एंड इसी दिन शाहरुख से ही बात हो रही थी तो ही सेड कि हैप्पी डांस को क्यों नहीं हम सेलिब्रेट करते, क्योंकि ट्रेन डांसर तो लिमिटेड है हमारे देश में जिनको एक्चुअली प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलती है डांसिंग की। बाकी हम सब तो डांस करते हैं ना, बोले शादियों में करते हैं, बर्थडे पे करते हैं, यहाँ करते हैं, वहाँ करते हैं, तो वहाँ से कॉन्सेप्ट निकला। एंड जब मैंने इनके साथ डिस्कस किया तो ही लाइक इट वेरी मच एंड ही सेड वी मस्ट कम टुगेदर ऑन दिस वन। तो ये हुआ। और ऑब्जेक्टिव मेरे हिसाब से एंटरटेन करने का है, दर्शकों को मनोरंजन देने का है, और हमारा कुछ भला हो जाए उसके साथ साथ तो अच्छी बात है, नहीं तो अगले शो में फिरा जाएंगे हम। नो, बट द आइडिया, द मोटिवेशन, द थॉट इज हमारी फिल्म से ही थोड़ी सी जुड़ी हुई, क्योंकि जैसा शुरुआत में हमने कहा कि हर कोई जो है वो टेक्निकल डांस हम सराहते जरूर, हमें पसंद बहुत आता है, हम ऋतिक को, गोविंदा जी को, शाहिद को, बहुत अच्छे अच्छे डांसर्स हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, दो चार नाम अगर हम भी गए, दे फैंटास्टिक डांसर्स, द यंग बॉयज एंड गर्ल्स नाउ, उनको देख के इतनी खुशी होती है, लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन हर किसी का मन चाहता है। सो अगर उसको हम सेलिब्रेट करें, जैसे हमारी फिल्म के अंदर हम लूजर्स को सेलिब्रेट करते हैं, एक सेट ऑफ पीपल जो शायद बहुत कामयाब नहीं है लेकिन जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, हर कोई कामयाब नहीं होता उस स्तर पर। सो द होल आइडिया इज व्हेन यू सी पीपल डांसिंग, वो डांसिंग फ्रॉम द हार्ट, खुशी से, पागलों की तरह, जैसे हम बारात में देखते हैं कभी कभी पार्टी में अंकल हैं डांस कर रहे हैं, सो कैन वी एनकरेज दोज पीपल हु डोंट गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू नो कि चाहे आपको स्टेप टेक्निकल आता है या नहीं आता है, जिस तरह आप नाचते हैं आप ही का मनोरंजन नहीं, दूसरों का भी होता है, आप खुशी बांटते हैं। सो मोटिवेशन ये है कि उस प्रोग्राम को लोग देखकर, इंशाल्लाह शो के अंदर टीवी पे देख के उसके बाद थोड़ा और कॉन्फिडेंस आए कि यार हमें नाच आए ना आए, आंगन टेढ़ा हो ना हो, लेकिन हम तो जरूर नाचेंगे, बिकॉज आई थिंक डांस जेन्युइनली इज एन एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस एंड लव बियॉन्ड द स्टेप्स दैट लॉट ऑफ पीपल डू, एंड दैट इज ऑल्सो फैंटास्टिक। बट अगर नहीं होता है तो सिर्फ उसकी खुशी बांटने का जो जरिया है डांस का, वो और आगे बढ़ेगा, यही मोटिवेशन है उसकी। I have a question. Don't you think people in Kolkata, they don't dance dil se because the show is not traveling to our city? Well, we would like to, as a matter of fact, I've been telling them that we should, but you know, because of the paucity of time that we have, genuinely, I'll say they were very keen that we do it in 10 cities. The show started with us visiting 12 cities, making each program in every city, and we would love to do it. I think the idea was fantastic, but logistically, it just became so difficult because of the timing of the film releasing right now, that we can only do the 4 cities and then come back to Mumbai because we need to be here during the release. So unfortunately we can't. But having said that, the show will continue post the film, I think, if I'm not mistaken. And we have plans. Kyunki Kolkata mein aakar nahi naache to kya naache? So we will come to Kolkata, inshallah, on the roads and dance. And vis-a-vis the show or just happy dancing on Kolkata streets, inshallah. Ek sawal Farhad se. Madam, set pe aap bahut sakht master mani jati hain. स्टेप के मामले में तो सब चीज के मामले में ऐसे में दिल से निकलता होगा उन लोगों का डांस जो है, डर भी तो दिल से ही निकलता है ना। शाहरुख से सवाल है, शाहरुख आप दिल से डांस करते हैं लेकिन कोई आपके करियर में ऐसा गाना है बिना कोरियोग्राफर के आपने किया है जो फिल्म में आया? नहीं, टेक्निकली ऐसा होता नहीं है क्योंकि जब से मैं फिल्म में आया हूँ बहुत प्रोफेशनल एटमोसफेयर, तो हमेशा गानों के लिए ऐसा ज़रूर हुआ है कि एक दिन कोरियोग्राफर नहीं है, थोड़ा लेट हो गए तो शुरुआत ज़रूर की है, ऐसा हुआ है छैया छैया के अंदर म्यूज़िक नहीं था पहले, तो फारा सिर्फ विदाउट म्यूज़िक, कभी हाँ कभी ना में ऐसा हुआ है म्यूज़िक नहीं था, कुछ फॉल्ट हो गई थी, ट्रेन के ऊपर चढ़े हुए थे तो बिना म्यूज़िक के ज़रूर क्या है। एक गाना सुभाष जी की फिल्म के अंदर है, उसमें भी गाना नहीं था, सुभाष जी ने करके दिल दीवाना दिल अहमद ने फाइनली किया था,
बट ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोरियोग्राफर नहीं है, ऐसा कभी नहीं, मतलब या कोई एक सिंपल छोटा सा डिटी हो या कुछ किया हो तो जरूर, बट आई डोंट थिंक हमें से किसी ने भी विदाउट कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट्स ऑन फिल्म सेट्स, यू नो आर द बिगेस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर्स टू द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, बहुत मेहनत से और बहुत प्यार से, और स्पेशली जो लोग इतना अच्छा नाच गाना नहीं जानते उसको ब्रेकअप करके दे मेक अस लुक रियली रियली गुड। शाहरुख आप एक मराठी फिल्म प्रोड्यूस करने वाले थे, शाहरुख That will be the last question, Sohail. I still haven't yet. We all try very hard. मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत अच्छा डांसिंग आता है सचमुच। मैं कोशिश करता रहता हूँ। अब मैंने कहा ना, रिहर्सल भी सीख गया हूँ, तो रिहर्सल करके और मेहनत करूँ। शाहरुख, लास्ट सवाल। मुंबई ने आपको सब कुछ दिया। आप एक मराठी फिल्म प्रोड्यूस करने वाले थे। उसका क्या हुआ? आज ही रात को थोड़ा ना करूँगा, कर रहा हूँ। थोड़ा वक्त होगा, दो चार घंटे में थोड़ा हो जाएगी। Thank you so much for joining us. Just one last question. Congrats, KKR is in the finals now. So are we getting the party dancing on the streets from a Calcutta? And second question is, post the pujas, ISL is starting. Would you be advising KKR fans to support Athletico now? Not only KKR fans, I will advise everyone in the country to support every beginning of a new sports, like it was with Abhishek in Pro Kabaddi now and football too. And every kind of sport should be followed. जितने लोगों के पास वक्त है, शौक है, खुशी है, प्यार है, आई थिंक स्पोर्ट्स अकॉर्डिंग टू मी, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं पाए नहीं हूँ उस मामले में जो बोलूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है मैं कहूँगा हर स्पोर्ट्स को प्लीज सराहें, उसको फॉलो करें, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट द यूथ ऑफ दिस कंट्री बिकम्स इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन एंड स्पोर्ट्स वुमेन, एंड दैट कैन ओनली हैपन थ्रू टेलीविजन। लेट मी ऑनेस्टली टेल यू, जब तक वो स्पोर्ट टेलीविजन पे पॉपुलर नहीं होगी तब तक वो स्पोर्ट्स का जो है बढ़ावा नहीं मिलेगा उसको। दैट्स द रियलिटी ऑफ टुडे। इट हैज टू बी डिजिटाइज्ड, इट हैज टू बी डिजिटल, हैज टू बी ऑन वीडियो, इट हैज टू बी ऑन यूट्यूब, इट हैज टू बी ऑन इंटरनेट, एंड द मोर पीपल सपोर्ट स्पोर्ट्स व्हिचएवर इट इज, व्हिचएवर इट इज, व्हिचएवर इट मे बी, आई एम टॉकिंग कबड्डी, यू नो इट इज सो मच प्राइड एंड ऑल दीस पॉपुलर स्पोर्ट्स, यस इंशाल्लाह दे शुड ऑल सपोर्ट एवरी स्पोर्ट, not only from KKR, from every walk of life in this country, wherever they are, and inshallah all around the world, wherever the people from the subcontinent are, they should support the sports in this country. अब तो क्या है, कोलकाता मेरा खुद का ही हो गया, अब तो मैं खुद ही ऑर्गेनाइज कर लूंगा। मैंने उन्हें कहा आ जाऊंगा पिक्चर रिलीज होने के बाद, नाचते गाते हम काफी हैं, हम तो अभी हमें अगर हमारी टीम को अगर गिना जाए, कास्ट किया जाए, तो तकरीबन कोलकाता की पॉपुलेशन जितनी तो हमारी कास्ट ही हैप्पी न्यू ईयर की, तो हमारे पहुंच जाएंगे और बहुत नाचेंगे इंशाल्लाह, एंड इफ वी विन द फाइनल, आई थिंक वी विल विन द फाइनल, या इंशाल्लाह। थैंक यू, वी आर गोइंग टू टर्न दिस रूम इनटू अ डांस फ्लोर, बट बिफोर दैट थैंक यू ऑल फॉर